अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। प्रोग्राम के जिनका हमें बेताबी से इंतज़ार था और वाकई जी आसिम भाई से गुजारिश है कि बराए करम जी जी नज़र बिजनौरी साहब मैं एक बात बहुत फ़ख्र के साथ बहुत ईमानदारी के साथ बहुत यकीन के साथ मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब की आमद आज के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट लेकिन अदब नवाजी और हिंदुस्तान के हवाले से वतन परस्ती और तमाम मोहब्बतों के अमीन मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में चंद लोग हमारे पास ऐसे हैं कि आज अपने वतन का अपनी कौम का दर्द रखते हैं। मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। यकीनन ये जश्न अब जश्न हुआ है, ये जश्न हिंदुस्तान बना है। मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब की यहाँ आमद, दिलावर चोगले साहब, अबरार साहब और तमाम साथी यहाँ तशरीफ़ लाए, हम पूरी बज़्म नज़र की तरफ से, अंजुमन की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और मैं यामिन अंसारी साहब से, सलमान साहब से गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल ये रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब का इस्तकबाल किया जाए। आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें हिंदुस्तान की उस अजीम अल मतलब शख्सियत का, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, ये ऐसे लोग कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि कुदरत ने उनके दिल में जगह दी है, मेरे लिए मोहब्बत है अदब के लिए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी इदारे हैं, दिलावर चौगले साहब, जितने भी सरकारी इदारे हैं, जितनी तंजीमें हैं, मैं समझता हूँ कि सबको एक तरफ रखा जाए तो अकेले 50% जितना अदब पर काम अबू आसिम आज़मी साहब ने किया है, बिल्कुल इस बात को चैलेंज से कह सकता हूँ मैं कि पूरा हिंदुस्तान में जितने मुशायरे, जितनी अदबी और उर्दू ज़बान पर जितना बड़ा काम मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब ने किया वो किसी ने नहीं किया, और मैंने भी उनके साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश की है। एक तरफ लोग 15 अगस्त है, लाल किले के हवाले से भी लोग सुन रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कैमरा दिखाएगा कि लाल किले से अच्छा बोला गया है या अंजुमन इस्लाम से ज़्यादा अच्छा बोला गया है। एक पैगाम हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैं चाहता हूँ मोहतरम अबू आसिम उर्दू अकेडमी की तरफ से और बज़्म नज़र की तरफ से जो आज यौम आज़ादी के मौके पर नज़र भाई ने हम लोगों को बुलाया, मैं आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मुबारकबाद पेश करते वक्त मुझे थोड़ा सा दिल में कसक भी मौजूद आती है कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जब हम सुबह उठते हैं, झंडा फहराने जाते हैं, तो मैं देखता हूँ अमीरों के इलाके में सब सोते रहते हैं। जब मैं माइनॉरिटी के गरीब इलाके में पहुँचता हूँ, बच्चे फटा हुआ कपड़ा पहने, पैर में चप्पल नहीं, लेकिन झंडा लेके भाग रहे हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलशन। इकहत्तर साल पहले ये मुल्क आज़ाद हुआ था और हमारे पुरखों ने कहा था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम जो बैठे हुए यहाँ लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सताइश कभी नहीं किया, लेकिन आज हमारे ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाता है कि हम, इल्ज़ाम आ रहा है कि हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। जब कोई मैच होता है तो खुद ये फ़िरका परस जाकर वहाँ पटाखा फोड़ते हैं और मुसलमानों के नाम पे लगा देते हैं।
अभी देखा आपने बकरीद के ऊपर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करने की तैयारी थी। वो लोग जिन्होंने मालेगांव में शबे बारात के दिन ब्लास्ट किया, जिन्होंने दूसरा ब्लास्ट मालेगांव में रमज़ान में किया, जिन्होंने रमज़ान में मक्का मस्जिद पे ब्लास्ट किया, जिन्होंने अजमेर में ब्लास्ट किया, इन सब मुसलमानों के त्योहारों पर ब्लास्ट किया गया। और यही लोग नांदेड़ में 2006 में एम और पीएम का फ़र्क हो गया, 130 पीएम पे करना था, 130 एम पे रात में फट गया तो दो लोग घर में मर गए और मैं खुद गया था वहाँ। टोपी और कुर्ता नकली दाढ़ी उसके घर में पकड़ी गई थी। हम आज़ाद हैं, हम सब खुशियाँ मना रहे हैं, यौम आज़ादी की 71वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे बेकसूर बच्चे बगैर कुछ किए हुए 20-20 साल तक जेलों में सजाएं काट रहे हैं। और ये फिरका परस्त जो इस मुल्क में, वो ये उन्हीं की औलाद हैं ये लोग। मुझे कहने दीजिए आप इस बात को, ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्होंने इस मुल्क में सबसे पहले दहशतगर्दी के वाकया किया गांधी जी को मार के। और गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे अपनी शक्ल मुसलमानों की बनाकर दाढ़ी और कुर्ता पैजामा पहनकर भाग रहा था, बच पकड़ लिया गया। अगर नहीं पकड़ा जाता तो रहती दुनिया तक मुसलमान इस मुल्क में गांधी जी के कातिल के नाम से पुकारा जाता। वही लोग आज भी कर वो रहे हैं, पकड़ा जा रहा है मुसलमान। मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि एक आज़ादी की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने आज़ादी में शहादत का जाम पिया, फांसी के फंदे पर चढ़े। ये आज आज़ादी के दिन तय करो कि गोरी चमड़ी वालों को हमने भगा दिया हिंदुस्तान से, ये काली चमड़ी वाले जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के नाम पर फसाद कराते हैं, एक बार इनसे भी हमको छुटकारा लेना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। और वही असल दिन होगा आज़ादी का, वरना ये आज़ादी बगैर माने है, इस आज़ादी का कोई मकसद नहीं है। इस मुल्क के संविधान को, नए संविधान को लिखने की तैयारी हो रही है। जिसके पास भीड़ है, जिसके पास पब्लिक है, वो जितनी चाहे गुंडागर्दी कर लें, और जो इस मुल्क में शराफत के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अहिंसा के साथ बात करता है, उसकी इस मुल्क में कोई इज्जत बची नहीं है। मैं अच्छा माहौल है, माहौल में कुछ कशीदा नहीं करना चाहता हूँ, कशीदगी नहीं लाना चाहता हूँ, मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन बहुत मुरझाए हुए दिल से। शुक्रिया बहुत बहुत।